हाँ तो सर अपना परिचय पहले आप बताइए। मेरा नाम परिचय के कड़ी में राजेंद्र प्रसाद मौर्य, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के मंडल अध्यक्ष मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ। सर आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या नहीं, इस राष्ट्र की समस्या है। हम गयपुरा चौराहे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ लगवाने के संबंध में हमने शासन को अवगत कराया और शासन से अनुमति के लिए हमने डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को, महामहिम राष्ट्रपति को और नितिन गडकरी को और अनुप्रिया पटेल जी सांसद को, मंत्री जी को, सबको अवगत कराया। वहां से हमको लेटर प्राप्त हुए और कुछ दमंग लोगों ने वहां जो है बगैर शासना आदेश के किसी एक गांव के ही ग्रामीण के जो संत का मूर्ति लगवा दिए जबरदस्ती, कोई शासना आदेश नहीं था। हम चाहते हैं कि जो शासन का आदेश हो वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या जो भी लगवाना चाहते हैं शासन द्वारा लगवाए जाएं, कोई जबरदस्ती वहां राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राष्ट्र का धरोहर है, वहां किसी के बाबा और दादा की। अच्छा ये बताइए मूर्ति कब लगी? ये मूर्ति जो है 19 तारीख को लगाई गई जबरदस्ती। समय पता है कुछ? हाँ, समय 5:00 पर लगाया गया जो कि अनैतिकपूर्ण है। हाँ, आपके कहने के अनुसार? हाँ, बाबा दादा की मूर्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगवाना संभवतः या नियम के विरुद्ध है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्र के ही प्रतीक मूर्ति लगवाना अति आवश्यक है। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय की, SP को किए, सबको किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कि SP महोदय ने बोले कि चौकी प्रभारी से जाके मिलिए, जो लगवाए उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। चौकी प्रभारी ने 20,000 रुपये लेकर के वो ग्रामीण अंचल के एक साधु की मूर्ति वहाँ लगवाने का काम किया। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जी से भी हमने मिले, उनके कार्यालय पर लखनऊ जाके मिले और वहाँ से जो है डिप्टी सीएम का आदेश है कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने जो है यहाँ से भेज दिए हैं, आप जाइए, कार्रवाई होगी, जो नियमापूर्ण कार्रवाई होगी वो जो है राष्ट्र के प्रति होगी। जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि वहाँ अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक है वो लगाया जाए, हमारे जाति और धर्म से जुड़े हुए लोगों की वहाँ मूर्ति न लगवाया जाए। जी, धन्यवाद।